चलिए एबीसी मुझे शो करना है दैट दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल तो ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी ए निकालो। ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ एनी टू साइड्स आर इक्वल। तो अब हम इनकी लेंथ चेक करेंगे। वी आर टू फाइंड ए बी, वी आर टू फाइंड बी सी एंड वी आर टू फाइंड ए सी। ए बी क्या आएगा? 6 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 होल स्क्वायर कितना आया? √37। चलिए नेक्स्ट बी सी। बी सी 7 माइनस 6 एंड 4 प्लस 2। तो दिस इज अगेन √37। थर्ड भी हम चेक करते हैं, क्योंकि अगर थर्ड भी √37 आई तो दैट विल बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आप इन्हें दो के बेसिस पे छोड़ नहीं सकते कि दो साइड्स इक्वल आ गई तो लिख दोगे आइसोसेलेस। यू हैव टू चेक द थर्ड साइड आल्सो। तो ए सी हम चेक करेंगे दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 2। तो दिस इज इक्वल टू 2। अब यहां आप लिख दोगे सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी देयरफोर ए बी सी या गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो वी वर टू चेक, तो दो साइड्स क्योंकि आपकी इक्वल आ रही हैं तो द गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर? कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। इस वाली एक्सरसाइज में सारे हमारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला ओनली। जो भी उन्होंने पूछा है अकॉर्डिंग टू दैट हम कंसेप्ट लगा लेंगे। अगर उन्होंने इक्विलेटरल ट्राइंगल पूछा है तो हम तीनों साइड्स निकाल लेंगे। तीनों अगर इक्वल आ रही है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, नहीं आ रही तो इट्स नॉट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल हम कर चुके हैं। सेम वे में अगर हमें 4 वर्टिसेस गिवन होंगे तो क्वाड्रिलेटरल चेक करना है। क्वाड्रिलेटरल में हमें कौन कौन सी टाइप है? स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है एंड पैरेललोग्राम है। इसके अलावा और कोई टाइप आपकी नहीं है। रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम में डिफरेंस क्या है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं दोनों केसेस में, बट रेक्टेंगल में डायगनल्स आर इक्वल और पैरेललोग्राम में दे आर अनइक्वल। रोम्बस में डायगनल्स आर अनइक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल यू कैन से, और स्क्वायर में ऑल द साइड्स आर इक्वल एज वेल एज द डायगनल्स आर इक्वल। तो ये 4 टाइप्स आपकी क्वाड्रिलेटरल के हैं। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, यानी कि या सारी साइड्स इक्वल नहीं आ रही या ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं आ रही है, तो हम सिंपली लिख देंगे कि जो भी उन्होंने स्पेसिफाइड पूछा है टाइप दैट इट्स नॉट दैट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें उसने कहा इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। 4 फ्रेंड्स हैं, पोजीशन ए बी सी डी पे वो बैठे हुए हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। कि चंपा और चमेली जो है वो क्लास में जाते हैं और कुछ मिनट ऑब्जर्व करने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ए बी सी डी जिस पोजीशन पे बैठे हैं दैट इज फॉर्मिंग अ स्क्वायर। चमेली डिसएग्री, चमेली जो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, दे आर नॉट फॉर्मिंग अ स्क्वायर। सो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके आपको बताना है कि दोनों में से कौन करेक्ट है। यानी कि अगर चंपा करेक्ट है तो जो वर्टिसेस हमें गिवन है दैट विल सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन ऑफ अ स्क्वायर, ऑल द साइड्स विल बी इक्वल एज वेल एज द डायगोनल्स विल बी इक्वल।
और अगर चंपा जो है वो सही नहीं है, यानी कि चमेली जो है वो अगर सही है तो वो जो है स्क्वायर की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमें ए बी सी डी के जो है कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। ग्राफ के फॉर्म में वो आपको गिवन है, तो बताइए क्या कोऑर्डिनेट्स हैं। ए के कोऑर्डिनेट क्या है? 3.4। बी के? सी के? 9.4। एंड डी? 6.1। अब ये चारों कोऑर्डिनेट्स आ गए। नाउ फाइंड आउट द डिस्टेंस। टू फाइंड आउट, टू चेक वेदर इट इज अ स्क्वायर और नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक ऑल द साइड्स आर इक्वल, देन वी विल चेक द डायगोनल्स आर इक्वल। साइड्स यानी कि ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, एज वेल एज डायगोनल्स ए सी एंड डी बी। तो ये 6 साइड्स हमने कैलकुलेट करनी है। ए बी यानी कि 6 - 3² प्लस 7 - 4² रूट 18 यानी कि 3√2, 9 × 2 लिख सकते हो आप उसको, इट मीन दिस इज 3√2। सेम वे में बी सी। अब बच्चे वैसे तो अगर आपके जैसे फर्स्ट टर्म में एमसीक्यूज आ रहे हैं तो यहाँ जो मैं आपको पहले कह रही थी कि यूनिट्स भी लिखना है, ये भी लिखना है, तो क्योंकि हम ये सारा काम रफ में करके देखेंगे तो यूनिट्स वगैरह हम ऑमिट कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव टू सेव आवर टाइम। ठीक है, बी सी बताइए क्या आएगा। 9 - 6 एंड 4 - 7। सो दिस इज अगेन यस रूट 18, मैंने सीधा लिख दिया 3√2। यूनिट्स लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अब हमारे एमसीक्यूज हैं। और सी डी बताइए, अगेन 9 - 3 एंड 4 - 4। सी डी, जस्ट अ मोमेंट, सी डी यानी कि 9 - 6 एंड 4 - 3 सेम आएगा, तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। डी ए 6 - 3 4 - 1 सेम, तो साइड्स इक्वल आ गई। नाउ वी हैव टू चेक द डायगोनल, डायगनल ए एंड सी, तो 9 - 3 4 - 4 9 - 3 6² 4 - 4 0 0 एडेड टू एनी नंबर इज दैट नंबर ओनली, तो 6 का स्क्वायर का रूट यानी कि 6 आ गया। अब बी डी 6 - 6 एंड 7 - 1 सेम आ जाएगा। अच्छा जी, ए दिख रहे, मैं यहाँ लिख रही हूँ, फिर इधर यहाँ विजिबल है, सो दिस इज बी डी, हाँ दिस इज 6 - 6 एंड 1 - 7 6² सो दिस इज अगेन 6 यूनिट। So all the sides are equal as well as the diagonals are equal. So this is forming a square. So Champa is correct. अब जैसे ये in case अगर suppose आपको question आता है, ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है, simply A B C D लिखो, distance formula से calculate करो, verbally check हो जाएगा ये, all the sides are equal, diagonals are equal, so it is forming a square. So Champa is correct. ठीक है, तो मैं यहाँ इसलिए लिख रही हूँ कि बाद में अगर आप कभी स्टडी करो क्वेश्चन, मतलब जैसे देखो तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो। सो ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स इक्वल, देयरफॉर इट्स अ स्क्वायर, यानी कि चंपा इज करेक्ट। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 4 जो इवन पार्ट्स हैं दैट यू विल डू इन योर होमवर्क नोटबुक। अब क्वेश्चन नंबर 6 ये हो गया नोट डाउन, समझ आ गया।
हाँ जी मैंने साइन नहीं की। डन लास्ट में आपका नेम क्या है बच्चे? हार्दिक, मुझे समझ नहीं आई अभी। भाविन, करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें फोर अगेन गिवन है जो वर्टिसेस हैं। वी आर टू चेक इफ दे नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। रीजंस फॉर योर आंसर यानी कि वही आप चेक करोगे कि अगर पैरेललोग्राम है तो यू विल गिव द रीजन कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर अनइक्वल, जो अभी मैंने रीजंस डिस्कस किए थे दैट यू विल राइट। So the given coordinates are -1, -2, 1, 0, -1, 2 and -3, 0. क्या हो गया? मैं अभी भेज देती हूँ आपको, ठीक है? जाओ, ध्यान है ही नहीं बिल्कुल पढ़ने में, फिर क्या फायदा बताओ आने का भी। और नेक्स्ट टाइम मैं ना रिकॉर्डिंग में भी नेम लूंगी ताकि पेरेंट्स को वो रिकॉर्डिंग भेजूं कि देखो ये क्या कर रहे हैं। So we are to check whether these are the vertices of quadrilateral. Name the type of quadrilateral. कि किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल के ये वर्टिसेज हैं वो हमें चेक करना है। तो मैंने इनकी नेमिंग दे दी ए बी सी एंड डी। अगेन वॉट वी आर टू फाइंड फॉर द क्वाड्रिलेटरल ए बी बी सी सी डी डी ए चारों साइड एंड द डायगोनल। अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप कैलकुलेट करिए। ए बी कितना आया? 2√2, रूट एट और 2√2। वेरी गुड। बी सी सेम आएगा, 1+1² + 2-0² अंडर द रूट 2√2। अगेन सी डी -3+1 and 2-0, ये भी सेम आएगा। एंड डी एंड ए -3+1 and 0+2, ये भी सेम आएगा। सो ऑल द साइड्स आर इक्वल, नाउ वी आर टू चेक वेदर द डायगोनल्स आर इक्वल और नॉट। ए सी -1+1 0 हो जाएगा, -2 -4, -2 -2, 4² 16, 4 आ रहा है ये। बी डी चेक करो, -3 -1 0 -0, दिस इज अगेन 4। डायगोनल्स इक्वल, साइड्स इक्वल, सो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो रीजन हम यहाँ पे मेंशन करेंगे सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल। एमसीक्यू में रीजन जो है वो इस तरीके से आ सकता है कि दिस इज अ स्क्वायर एज ऑल साइड्स एंड डायगोनल आर इक्वल, दिस इज अ स्क्वायर एज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। तो इस तरह से ऑप्शंस आ सकती हैं, यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्क्वायर के लिए आपको पता होना चाहिए ऑल साइड्स एज वेल एज डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है? सिंस ऑल साइड्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर। सो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इज अ स्क्वायर, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट वन, सेकेंड पार्ट करवा रही हूँ इसका मैं, थर्ड यू विल डू योर सेल्फ, क्योंकि सेकेंड में थोड़ा सा अलग चीज आएगी आपकी। यहाँ हमें अगेन फोर वर्टिसेस गिवन है तो इनको हम ए बी सी डी ले लेंगे। थर्ड पार्ट विल बी योर होमवर्क। ये हमें गिवन है -3.5, 3.1, सी मुझे गिवन है 0.3 एंड दिस इज -1.-4। So we are to again name the type of the quadrilateral formed. क्या आएगा जी बताइए? ए बी कितना आएगा? रूट थ्री प्लस थ्री स्क्वायर
and 5 minus 1 square. 6 square plus 4 square. 36 plus 16. Yes, it's root 52, that is 2 root 13. हाँ जी, कैसे की है? मैंने वर्बली कर ली. देखो, ए बी निकाल रही हूं मैं. ए बी यानी कि ये, तो 3 माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस 5. डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया हमने अंडर द रूट. 3 प्लस 3 इज 6, 6 स्क्वायर इज 36, प्लस 1 माइनस 5 इज माइनस 4, माइनस 4 का स्क्वायर इज 16. सो दिस इज रूट 52. रूट 52 को अगर मैं लेके चलूं, दैट कैन बी रिटन एज 4 इंटू 13, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर आके 2 रूट 13. ठीक है, क्लियर? हाँ, अब बी सी निकाल लो ऐसे ही. मैं इसको अगेन वर्बली लिख रही हूँ. देखो, 3 माइनस 0 इज 3, स्क्वायर आ गया 9. 1 माइनस 3 इज माइनस 2, स्क्वायर आ गया 4. 9 प्लस 4 13 अंडर द रूट. क्लियर? तो वर्बली ये आप कर सकते हो. अब सी डी लो. 0 प्लस 1 1, 3 प्लस 4 7, 50 आ रहे. हार्दिक, डन द कैलकुलेशन? अब डी ए कैलकुलेट करो इसी तरीके से. माइनस 3 प्लस 1 4 हो गया. माइनस 3 प्लस 1 यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया. देन 5 प्लस 4 9 का स्क्वायर 81. 81 प्लस 4 इज रूट 85. आ रहा है यही? चेक करो. तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चे आप लोगों को कि एमसीक्यूज के लिए आप वर्बल कैलकुलेशंस कर सकते. ठीक है, आपके 40 क्वेश्चंस होंगे दैट यू हैव टू डू इन 90 मिनट्स. टाइम तो वैसे सफिशिएंट है बट स्पीड चाहिए आपको. हाँ जी, हाँ. ऑल द साइड्स आर डिफरेंट. सिंस ऑल द साइड्स आर डिफरेंट, तो इट विल नॉट फॉर्म अ रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर और रोम्बस. तो इट इज नॉट फॉर्मिंग एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. एज ऑल द क्वाड्रिलेटरल बनेगा दैट विल बी फॉर्म, क्योंकि उन्होंने हमें गिवन क्या कहा है, नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्मड बाय द फॉलोइंग, इफ एनी, बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर. क्वाड्रिलेटरल बनेगा बट कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है. इन केस अगर आपको वो भी चेक करना आ जाता है कि इफ इट इज फॉर्मिंग अ क्वाड्रिलेटरल और नॉट, तो क्वाड्रिलेटरल यू नो क्या होता है, उसमें दो ट्राइंगल्स में आप उसको डिवाइड कर सकते हो. तो आप उसको चेक कर लो कि इनकी साइड्स निकाल लो, ये एक डायगोनल निकाल लो, कोई दो साइड्स निकाल लो. यहाँ पे अगर जो है सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो ये आपका ट्राइंगल फॉर्म होगा. सेम वे में यहाँ पे भी सम ऑफ एनी टू साइड्स अगर ग्रेटर देन थर्ड साइड है, ट्राइंगल फॉर्म होगा. ये दोनों ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, इसमें ये साइड आपकी कॉमन है, तो दिस विल फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, यहाँ फिलहाल क्योंकि उन्होंने हमें कहा कि चेक इफ इट इज फॉर्मिंग एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो सिंस ऑल द साइड्स आर डिफरेंट, therefore it is not forming any specific type of quadrilateral. Clear? ये आप नीचे लिख लीजिएगा. Now moving on to question number 7. This is a very important question. Question number 7 और 8 दोनों बहुत important हैं. During the revision days, we will discuss the shortcut methods also if there will be any. But अभी फिलहाल क्योंकि concept आपके लिए नया है, concept clarity चाहिए, so I'm not going for the shortcut method. Question number 7. Find the point on the x-axis which is equidistant from 2, minus 5. एक point ये given है and the second is minus 2, 9. अगेन मैंने फिगर जो है वो ग्राफिकली नहीं बनाई है, जस्ट एक रफ आइडिया लेना होता है हमें. मुझे एक पॉइंट निकालना है ऑन द एक्स एक्सिस. सबसे पहली चीज नाइन्थ में आप लोगों ने किया हुआ है, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म में होता है, एक्स
एक्स कॉमा जीरो, वेरी गुड. एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म एक्स कॉमा जीरो. अब मुझे इस पॉइंट एक्स कॉमा जीरो से गिवन है कि ये दोनों पॉइंट क्या है, इक्विडिस्टेंट है, यानी कि दिस डिस्टेंस ए बी विल बी इक्वल टू ए सी. तो सिंपली हमने क्या करना है, ए बी निकालना है, ए सी निकालना है, दोनों को क्या कर देना है, इक्वेट कर दोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स. इक्वल आएंगे नहीं, इक्वल गिवन है. अब इसमें एक्स अननोन हो गया ना, ठीक है, तो अननोन के साथ ए बी निकाल लोगे, दैट विल बी एक्स माइनस एक्स प्लस टू होल स्क्वायर प्लस 81. ऐसे ही ए सी निकाल लोगे, एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 25. दोनों को इक्वेट करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी, जो आपकी x की वैल्यू आ रही है दैट विल गिव यू द आंसर. कोऑर्डिनेट बताना है तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है. तो यहाँ पे आप एज्यूम कर लोगे, लेट द पॉइंट ऑन द x एक्सिस. अगेन जब एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा तो इतना डिटेल नहीं लिखोगे, बट अभी फिलहाल क्योंकि समझना है तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग. लेट द गिवन, लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस इज A, x, z. अब according to question, मुझे क्या गिवन है, question के accordingly वो क्या कह रहा है, A, B is equal to A, C. A is equidistant from, A is equidistant from B and C. यानी कि A, B equal to A, C. अब distances ले लो और values put कर दो. तो ए बी आ गया मेरे पास x प्लस टू होल स्क्वायर, साइन यहाँ पे चेंज कर देते हैं जो भी आपका पॉइंट गिवन होता है, और दूसरा आ गया जीरो माइनस नाइन होल स्क्वायर, और इधर आएगा आपका x माइनस टू होल स्क्वायर, प्लस टू था तो मैंने माइनस टू लिख दिया, दिस इज जीरो माइनस फाइव स्क्वायर. रूट हटाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस टू होल स्क्वायर प्लस 81 इज इक्वल टू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 25. ब्रैकेट्स खोल लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25. लेट अस फिनिश दिस क्वेश्चन एंड देन आई विल लीव द क्लास. अब देखो ये सभी टर्म्स मैं एक तरफ कर लेती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा, ये भी इधर आके माइनस 4x का प्लस 4 प्लस 25 इज प्लस 29, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 29, ठीक है. अब एक्स स्क्वायर प्लस और एक्स स्क्वायर माइनस कैंसिल आउट हो गया, 4x प्लस 4x कितना बन गया 8x प्लस 85 माइनस 29, दिस इज इक्वल टू कितना आएगा 85 माइनस 29 56, 56 आ रहे. तो 8x is equal to minus 56, x is equal to minus 56 by 8, यानी कि minus 7. So the required point is minus 7, comma 0. ठीक है, clear? If any doubt is there, you can ask. Homework questions are 2, 4, question number 6, part 2. और ये सेवेंथ क्वेश्चन भी आप करोगे, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर फोर, सिक्स क्वेश्चन पार्ट टू एंड क्वेश्चन नंबर सेवन. ये चार क्वेश्चंस आपके होमवर्क पार्ट्स हैं. टुमारो वी विल फिनिश दिस एक्सरसाइज एंड वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, सेक्शन फॉर्मूला. इफ एनी डाउट इज देयर, जस्ट अ मोमेंट अमृत. यस बच्चे, मिस चैप्टर की इंट्रो.